साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है नदी घाटी परियोजनाएं, जिले और जल संरक्षण, तीनों टॉपिक हमारे हैं। नदी घाटी परियोजनाएं हैं जो हमारा टॉपिक है, बांध क्या टॉपिक है सिलेबस में, बांध नाम से टॉपिक है साथियों, वो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, जिले हैं और जल संरक्षण है, उनकी तकनीकी है विधि है वो सभी हमारे से सिलेबस में लिखा हुआ है। देखिए हम पूरी बात आराम से करेंगे, ये पाठ सात का टॉपिक है, पाठ सात थोड़ा बड़ा था, टॉपिक थोड़े ज़्यादा निकल के आ रहे थे। इसमें देखिए पार्ट टू, इसमें भी तीन टॉपिक निकल के आ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें भी आराम से तीन टॉपिक क्लियर करेंगे। पार्ट सात का जो सेकंड पार्ट है, और एक आठवीं क्लास है, कौन सी क्लास है, पार्ट नंबर आठ, आठ नंबर क्लास है। और साथियों कक्षा छः का हम बात किससे करें, कक्षा छः हमारे राजस्थान की बात हम कर रहे हैं। पीछे की सभी क्लासेज आपने नहीं देखी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं साथियों, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिंक पिन किया हुआ है, वहाँ से देखें। कमेंट बॉक्स में आपके टेलीग्राम का चिन्ह, वहाँ से देख सकते हैं, टेलीग्राम पे इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर लें अपनी कलम अपनी आवाज़, ठीक है साथियों। और साथियों एक विशेष सूचना, जैसे आप सभी को पता भी होगा, जो हमारे राजस्थान जीके का जो पार्ट है, ठीक है, 80 नंबर का जो जीके पार्ट, भूगोल इतिहास संस्कृति, उसके बाद जो नए टॉपिक जुड़े हैं सामान्य ज्ञान संबंधित, कुल मिला के लगभग 100 अंक का मैटर है, उससे संबंधित टेस्ट भी शुरू कर रहे हैं। उसका जो डेमो प्री टेस्ट होगा 50 क्वेश्चन का, क्या होगा डेमो प्री टेस्ट, वो बनकर तो मैंने तैयार कर लिया, उसका केवल अपलोडिंग बाकी है, ठीक है, तो आप अब से ही ऐप स्टार्ट कर सकते हैं डाउनलोड करना। ऐप का नाम भी अपनी कलम अपने नाम से ही रहने वाला है, प्ले स्टोर से जाके आप सर्च कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं साथियों, दो या तीन दिन के अंदर। मैं तो ये चाहता हूँ कि नवरात्रा स्थापना के समय हम शुभ मुहूर्त के समय कुछ अलग काम स्टार्ट करें, शुभ मुहूर्त में नया काम स्टार्ट करें, तो आप चाहें तो अभी डाउनलोड कर सकते हैं, करके रख सकते हैं, और कोर्स भी मैं लॉन्च कर दूंगा, ठीक है, आप उसको खरीद भी सकते हैं चाहे तो मैं जब करो आप कमेंट कर देना कब करें, किस प्रकार से करें, आपकी जो राय है कमेंट भाई, 5-7 दिनों रुक जाएँ नवरात्रा स्थापना से करें या पहले करें, जो भी आपकी राय हो कर सकते हैं, ठीक है, डाउनलोड करके रख सकते हैं और इंतज़ार करें 5-7 दिनों का लास्ट, आप चाहें तो पहले भी कर देंगे, ठीक है, आप कमेंट करें उस आधार पे। पहला टेस्ट डेमो टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चन का होगा, उसके अलावा जो क्रम से आपके टॉपिक वाइज टेस्ट आते रहेंगे साथियों, ठीक है। शुरू करें उससे पहले एक बार सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों, आपको क्रम से क्लासेज यहाँ पर मिलती है, निःशुल्क क्लासेज मिलती है, ठीक है, 6 से 10 तक हम पाठों का बात जो बात हम कर रहे हैं। देखिए साथियों बात कर रहे हैं नदी घाटी परियोजनाओं का, ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहते हैं। अब बहुउद्देशीय क्यों कहते हैं, इसके नाम से पता लग रहा है, बहुउद्देशीय मतलब अनेक उद्देश्यों को लिए हुई ये परियोजनाएं हैं। अब अनेक उद्देश्य जैसे विद्युत है, सिंचाई है, पेयजल है, बाढ़ है, नियंत्रण है, बाढ़ का नियंत्रण है, मृदा प्रदन है, पर्यटन है, वृक्षारोपण आदि अनेक उद्देश्य हैं इसके। बाढ़ ये जो परियोजनाएं बनाई जाती है, बांध बनाए जाते हैं नदी घाटी परियोजनाएं, उनके अनेक उद्देश्य रहते हैं, इसके लिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहते हैं। आधुनिक भारत के मंदिर, ये किसने कहा था, नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर बहुत बार पूछा गया है, इससे सवाल बन सकते हैं। नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय या आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था, आधुनिक भारत के मंदिर कहा था प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने। अब प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं को क्या कहा था, तो आधुनिक भारत के मंदिर, ठीक है, नोट कर लेना विशेष रूप से। बात करते हैं सबसे पहले नदी घाटी परियोजनाएं जो है वो चंबल, कौन सी है, चंबल नदी घाटी परियोजना है साथियों, चंबल नदी घाटी में देखिए राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ठीक, किस किस की है, चंबल, ठीक है, उसका उद्गम है और आप उससे पता लगा सकते हैं किन किन की है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है साथियों। इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश को जल, विद्युत और सिंचाई तीनों की व्यवस्था सुविधा है वो उपलब्ध होती है, जल की, विद्युत की और सिंचाई की, ठीक है। अब चार बांध इस पर बनाए गए हैं, नोट कर लेना, चारों बांध चंबल परियोजना में चार बांध बनाए गए हैं, नोट कर लिया, पहला गांधी सागर बांध, पहला कौन सा है, गांधी सागर बांध साथियों, मंदसौर, मंदसौर जिला कहाँ का, मध्य प्रदेश का, कहाँ का है, मध्य प्रदेश का साथियों मंदसौर, कहाँ पे, गांधी सागर बांध कहाँ पे, मंदसौर। अगला राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सिंह सीधा आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए, चित्तौड़गढ़, ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ में है राणा प्रताप सागर, चित्तौड़गढ़ में जो बांध है। ज्वार सागर और कोटा विराज दो हैं कोटा में, ज्वार सागर और कोटा विराज कहाँ पे, कोटा में है, ज्वार सागर और कोटा विराज, नोट कर लेना, कोटा विराज कहाँ पे है, कोटा में। अगला देखिए माही बजाज सागर जो परियोजना है साथियों, माही बजाज सागर परियोजना ये किस पे है, माही नदी पे है, नोट करें, माही नदी और बांसवाड़ा जिले में, कहाँ पे है, बांसवाड़ा में साथियों, माही नदी बांसवाड़ा, ठीक है, स्थान स्थान, ये राजस्थान प्लस गुजरात की संयुक्त परियोजना है, नोट कर लें, राजस्थान प्लस गुजरात, इसमें आपको राजस्थान और गुजरात को सिंचाई, विद्युत और पेयजल है उपलब्ध होता है, सिंचाई, विद्युत और पेयजल उपलब्ध होता है राजस्थान और गुजरात की, कौन सी है, माही बजाज सागर परियोजना। बिसलपुर परियोजना इंपॉर्टेंट, बिसलपुर परियोजना है साथियों, देखिए बनास नदी पर, किस पे है, बनास नदी पे है साथियों, नोट करें, बिसलपुर
बनास नदी कहाँ पे है, बिसलपुर गांव। कहाँ पे है, बिसलपुर गांव टोडा राज सिंह के पास, टोडा राज सिंह नगर के पास में, टोंक जिले में। साथियों टोडा राज सिंह नगर के पास में गांव कौन सा, बिसलपुर, इसलिए इसका नाम पड़ गया बिसलपुर परियोजना। ठीक है, इससे केवल पेयजल की सुविधा, इस परियोजना से केवल पेयजल की सुविधा किसको, जयपुर प्लस अजमेर प्लस टोंक। ठीक है, उसके आसपास के और छोटे क्षेत्र हैं उनको भी, तो जयपुर अजमेर टोंक को पेयजल की सुविधा उपलब्ध होती है बिसलपुर परियोजना से। सरदार सरोवर परियोजना साथियों, ये नर्मदा नदी, कौन सी नदी, नर्मदा नदी है गुजरात में, गुजरात में स्थित है ये परियोजना। कहाँ पे है, नर्मदा नदी गुजरात में स्थित है, ये गुजरात नोट करें प्लस मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। साथियों गुजरात मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, कौन सी, सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है साथियों, इसमें जो राजस्थान के जिले हैं जालौर और बाड़मेर, कौन से हैं, बाड़मेर और जालौर जिलों, उनको आपको सिंचाई और पेयजल की सुविधा उपलब्ध होती है, उनको सिंचाई और पेयजल की सुविधा उपलब्ध होती है। साथियों इसमें इसके अलावा भी कुछ जो बांध परियोजना है वो बची हुई है, वो हम देखते हैं, मुख्य जो राजस्थान की है, कुछ परियोजनाएं बची हुई है, वो नाम आपको याद रखना है और कहाँ पे है वो याद रखना। ठीक है, इसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया है, चाहे हम किसी भी बात करें, हम केवल बात कहाँ कर रहे हैं, कक्षा 6 में जो ऑनलाइन प्रश्न बन रहे हैं उन्हीं की बात हम कर रहे हैं। साथियों वैसे तो बात करें तो परियोजनाओं की और लंबी बात हो सकती है, 3-4 घंटे की क्लास और हो सकती है, हमारे यहाँ हम बात करेंगे जिलों की 3-4 घंटे की क्लास हो सकती है, 5 घंटे की हो सकती है, लेकिन जो इस पाठ में दी हुई है वो हम करें। आपको करना क्या है, आप जो भी किताबें आपकी पढ़ी हुई है या आपके पास हम पढ़ रहे हैं जो भी, उसके साथ में आपको 6 से 10 तक आपके नोट्स तैयार होने चाहिए, कक्षा 6 से 10 तक आपके नोट्स कि इस पार्ट में झील से क्या क्या सवाल बन रहे हैं, क्योंकि जहाँ से यदि सवाल बनेगा तो उठाने की संभावना ज़्यादा रहेगी प्रश्न यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वो आपके दिमाग में कम से कम होना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। जवाई परियोजना कहाँ है, जवाई नदी पाली में, नोट कर लेना जवाई नदी पाली, जवाई परियोजना कहाँ पे है, पाली में। साथियों सोम कमला अम्बा परियोजना कहाँ पे है, सोम नदी डूंगरपुर में। साथियों सोम कमला अम्बा परियोजना कहाँ पे है, सोम नदी डूंगरपुर में। मानसी वाकल परियोजना पूछी गई है उदयपुर में। साथियों मानसी वाकल परियोजना पूछी गई है कहाँ पे है, उदयपुर में। जाखम परियोजना कहाँ है, जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में है। साथियों ठीक है, अब देखिए झील से वन लाइन जो सवाल बन रहे हैं जो इस पार्ट में दी हुई हम उन्हीं की बात करेंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे तथ्य हैं, जैसे मन झील इतना बड़ा मैटर हो सकता है। ठीक है कि झील को ले तो, लेकिन जिस पार्ट में है जो जहाँ से प्रश्न उठाने की संभावना ज़्यादा है वो हम देख रहे हैं। जयसमंद झील उदयपुर निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने करवाया था, जो इसमें दिया हुआ है इस पार्ट में 1687 से 1691, कहीं पे 85 से 91 भी आता है, लेकिन इस हमारे जिस जो अभी NCERT में हमारा स्थान चल रही है उसमें 1687 से 1691 दी हुई है। ये गोमती नदी पर, किस नदी पर है, जयसमंद झील गोमती नदी पर है। साथियों अगली देखिए मीठे पानी की है ये झील, किसकी है, मीठे पानी की है और मानव निर्मित कृत्रिम झील है, मानव निर्मित है, इसे हम कृत्रिम झील भी कहते हैं, गोमती नदी पर मीठे पानी की। ठीक है, उदयपुर में जो और अन्य झीलें हैं उनके नाम आपको दे लेना है, पिछोला झील है उदयपुर में, उदय सागर है जो इसमें नाम ही दिए कि, और वो आपको गाइड में से जो भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ से एक बार देख लेना, लेकिन यहाँ से ऐसे संभावना बन रही है, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और जना सागर है, ये उदयपुर में अन्य झीलें हैं। बात करें अगले जो झीलें हैं साथियों वो विशेष हैं, इंपॉर्टेंट भी है, नाम याद रख लेना, सभी नोट कर लेना, 2 से 3 बार रिविजन करके जाना है। अन्ना सागर कहाँ पे है, अजमेर में। अन्ना सागर कहाँ पे है, अजमेर में, और एक अजमेर में कौन सी है, पुष्कर, इंपॉर्टेंट है दोनों, अन्ना सागर और पुष्कर। साथियों अजमेर जो पुष्कर है वो धार्मिक महत्व की झील है साथियों। ठीक है, और अन्ना सागर अजमेर में। नक्की झील कहाँ पे है, पूछा गया सवाल, माउंट आबू सिरोही में। कहाँ पे है, माउंट आबू सिरोही, नक्की झील। राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है साथियों, नोट कर लें ये बात, जहाँ से सवाल बनने की संभावना ज़्यादा रहती है कि राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है, नक्की झील है साथियों। ठीक है, पुष्कर आ गई अजमेर में। अब देखिए राजसमंद झील कहाँ पे है, राजसमंद में है, ये तो याद रह जाएगी, लेकिन आपको याद कर रखना इसका जो इसका उत्तरी भाग होता है, राजसमंद झील का जो उत्तरी भाग है वो नौचौकी पाल कहलाता है साथियों। ठीक है, राजसमंद का उत्तरी भाग नौचौकी। अगला नोट करें बालसमंद, कायलाना और उम्मेद सागर। बालसमंद, कायलाना और उम्मेद सागर कहाँ पे है साथियों, जोधपुर में है। कहाँ पे है, जोधपुर में है। गड्डी सर कहाँ पे है, जैसलमेर। गड्डी सर कहाँ पे है, जैसलमेर में है। गेप सागर कहाँ पे है साथियों, डूंगरपुर में। कहाँ पे है, डूंगरपुर कोलायत, ये आपको नोट कर लेनी है, बीकानेर। ठीक है, और सिलीसेट कहाँ पे है, अलवर में है साथियों, ये नोट करें। ठीक है, अब कुछ खारे पानी की झीलों के नाम आपको रखने हैं वो हम बात करते हैं इसी अगली स्लाइड में, उनके बाद करते हैं जल संरक्षण जो भी दिए हैं उनके बारे में। तो देखिए साथियों बात करते हैं जो बचा हुआ टॉपिक है उनकी,
खारे पानी की जो झीलें हैं जो इस पार्ट में दी हुई है आपको नोट कर लेनी है साथियों। सांवर झील का है तो जयपुर अजमेर और नागौर के मध्य में है साथियों, जयपुर अजमेर और नागौर के मध्य में सांवर झील। पचपदरा, पचपदरा कहाँ पे है? बाड़मेर साथियों। पचपदरा कहाँ पे है? बाड़मेर में। डीडवाना साथियों, ये हमारी झील आ चुकी है, ठीक है, लगभग यहाँ पे ड्यूटी रोज जाता हूँ मैं, ठीक है, लगभग यहाँ से गांव से थोड़ी दूर है और जहाँ पे मेरे इसके पास में आसपास में ड्यूटी है वो कहाँ पे है? नागौर में। कहाँ पे साथियों? नागौर जिले में, हमारा जिला, हमारी तहसील, ठीक है, डीडवाना झील। लूणकरणसर कहाँ पे है? बीकानेर। लूणकरणसर बीकानेर में साथियों। पोखरण जैसलमेर और फलौदी जोधपुर में, ठीक है। कालाना जो जोधपुर में है वो मीठे पानी की झील। देखिए अगला जल संरक्षण जो तरीका है, ठीक है, दो नाम याद कर लेना, यदि सवाल यहाँ से बनेगा तो लगभग मेरे हिसाब से यहाँ से बन जाना चाहिए, फिर भी आपके पास कोई गाइड है तो विस्तार से आप पढ़ सकते हैं। कक्षा छः से जो 10 तक बात कर रहे हैं जो जहाँ से सवाल बन सकते हैं। रूप टॉप जल संचयन, अनेक प्रकार से राजस्थान में जल संरक्षण की विधि अपनाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान में अनेक तरीके अपनाए जाते हैं। वहाँ मैं बात करूँ तो जल जो है रूप टॉप जल संचयन जो है वो क्या है, जहाँ से मुख्य परीक्षा बहुत बार पूछा गया है रूप टॉप, और एक पूछा है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या है, जहाँ से सवाल बनते हैं। रूप टॉप जल संचयन क्या थे? देखिए, घर की छत पर गिरे वर्षा जल के जो वर्षा का जल गिरता है घर की छत पर, तो घर के नीचे गड्ढा बना दिया जाता है या होद बना दिया जाता है, एक कुएनुमा आकृति बनाई जाती है जिसे सामान्य भाषा में होद कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ का छत पर जो पानी गिरता है उसको पाइप आदि के माध्यम से, ठीक है, उसको पानी में उतारा, उस होद में उतारा जाता है उस पानी को, और वही क्या है? रूप टॉप जल संचयन विधि है साथियों, ठीक है। होद टाका कुआ, जिसमें एकत्र करना वर्षा का जल है उसको नीचे बनाकर पानी, वर्षा का जल नीचे उतर जाता है छत से और उसमें एकत्र करना, उसको एक जगह संचयन करना, वही क्या है? रूप टॉप जल संचयन विधि। देखिए अगला वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम साथियों, इसको ऑप्शन आ सकता है कौन सा है कौन सा नहीं, इस प्रकार से सवाल दे सकते हैं। वर्षा के व्यर्थ बहते जल को भूमिगत करना, मतलब वर्षा का जो जल है या अन्य कोई दूसरा साफ जल है, कोई गंदा जल है, उसको जो ट्यूबवेल आदि के माध्यम से जो भी एक छेद बना दिया जाता है भूमि में, उसको जो बचा हुआ पानी है वो भूमिगत करना, जमीन के अंदर तक पहुंचा देना, पुनर्भरण जिसे हम कहते हैं, वही क्या है? वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। देखिए टांका क्या है? टांका जिस बात हम कर रहे थे होद या कुएनुमा आकृति, जल संरक्षण हेतु घर में कुएनुमा संरचना या होद जिसे हम कहते हैं वही क्या है? टांका है, ठीक है साथियों। खड़ीन क्या है? पश्चिमी राजस्थान में जो है, ठीक है, जो खेत की ढलान रूपी जो जगह होती है वहाँ पर एक जल संरक्षण के लिए, जल संचयन के लिए एक जगह बना दी जाती है, जहाँ की जो मिट्टी स्पेशल मिट्टी के आधार पर तय होती है, तो जो जल संरक्षण की जो संरचना होती है वहाँ पे वो खड्डा खड्डे नुमा करती वही क्या है? खड़ी ने साथियों। वो किसके लिए उपयोगी होती है? नमी बनाने के लिए, पूरे खेत में वो नमी रखने के लिए क्या होती है? खड़ीन उपयोगी होती है साथियों। जोहड़ क्या है? जोहड़ गांव में जो आपने देखा होगा तलाई बनाई होती है, पक्की तलाई या कच्ची तलाई, जो वही क्या है? जोहड़ है। गड्ढा जिसमें बरसात का जल रोका जाता है, एक छोटा तालाब जिसे हम कह सकते हैं वही क्या है साथियों? जोहड़ है, ठीक है। तो यहाँ से ये सवाल बन रहे थे पार्ट 7 से, अलग टॉपिक ये बनाना जरूरी था, छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनने की संभावना है, नोट कर लेना। एक एक पार्ट आपको लेते चलना है और उसके शॉर्ट नोट्स बना के तैयार कर लेना है। आपके लास्ट टाइम जब 15-20 दिन बचे तो एक बार उनको रिविजन करते जाना, मैं एग्जाम होने के बाद मैं साथियों दिखा दूंगा कि यहाँ से किस किस टॉपिक से कितने सवाल आए हैं, चिन्ह लगाते जाना फिर कितने सवाल कहाँ कहाँ से आए हैं, नोट कर लेना, ठीक है। तो बने रहे, प्यार विश्वास नहीं दिखाते रहें, शेयर कर दे सभी साथियों को। साथियों चैनल पे आप नए हैं तो सबके जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम जो ग्रुप है अपना उसमें जुड़ सकते हैं, कि कल और आज वाली दोनों जो क्लास है वो एक साथ आपको शाम को आज को मिल जाएगी, दोनों की एक साथ पीडीएफ, ठीक है, पूरे पाठ की एक साथ पीडीएफ मिल जाएगी साथियों, ठीक है। इसके अलावा कोई कमेंट आपके कन्फ्यूज कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, अगले वीडियो में हम बात कर लेंगे साथियों, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।